और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आपके लिए न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है एक हिंदू लड़के ने अल्लाह को चैलेंज किया, डॉक्टर जाकिर नायक कौन कट्टर हिंदू। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है, आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कैसा गाइस, देखते हैं। एक हिंदू आदमी ने, मतलब थोड़ा एजेड है, ठीक है, बड़ा है, मैच्योर हो जाते हैं इस एज में आने के बाद, लेकिन ये शायद भाई मैच्योर नहीं हो पाए, दिमाग से जानते ही हो बैल बुद्धि है। तो देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो। और उसको कैसे समझाते हैं, चलिए फिर शुरू करते हैं। अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, ये तुम भी मानते हो, और अल्लाह ने अगर ये दुनिया बनाई है तो उस अल्लाह की दुनिया में उस अल्लाह की मर्जी के खिलाफ गैर मुस्लिम आए कहां से? अगर गैर मुस्लिम है तो इसका मतलब तुम्हारे अल्लाह में कोई औकात नहीं है। अगर तुम्हारे अल्लाह में औकात है तो सीधे सीधे मुसलमान बना के पैदा करे ना। तुम्हारे अल्लाह में इतनी औकात नहीं है कोई मुसलमान बना के पैदा कर सके। पहले तुम हिंदू पैदा होते हो, बाद में तुम्हारी मुसलमानी होती है, बाद में तुम्हारी सुन्नत होती है, बाद में तुम्हारा खतना होता है, तब तुम कलमा पढ़ते हो, तब तुम इस्लामिक होते हो। उसके पहले तुम कहां हो? सच्चाई को स्वीकार करो। सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए, इतना गट्स होना चाहिए, इतनी औकात होनी चाहिए, इतना आत्मविश्वास आपको सिर्फ हिंदुओं में, भारतीय परंपराओं में, वैदिक परंपराओं में ही मिलता है, अन्यथा कहीं और नहीं मिलेगा। बहन का सवाल है कि मैंने कहा मेरी तकरीर में कि हर बच्चा जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है, तो बहन पूछ रही है कि बच्चे का धर्म अपने वालिदैन का धर्म होता है। वो बच्चा पैदा होने के बाद, जब बच्चा पैदा होता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो दीनुल फित्र में पैदा होता है, मतलब वो ही कर रहा है जो उसका खालिक, उसका ईश्वर, उसका अल्लाह चाहता है। वो सांस ले रहा है उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह चाहता है, उसका खालिक चाहता है। वो जी रहा है उस तरीके से, वो फितरत में जी रहा है। उसके बाद वो अपने वालदेन के बताए हुए रास्ते पे चलने लगता है। इसीलिए अगर कोई बच्चे पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, इसके ऊपर इसके बारे में रिसर्च किया गया था दो ट्राइब है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन एंड द कपाकू ट्राइब। ये दो ट्राइब 1950 में साइंटिस्ट इसके पास गए और जानने की कोशिश किए। ये दो ट्राइब इंसानियत के टच में नहीं था, कोई भी मॉडर्न इंसान इसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं किया था, इनका कोई भी मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से इन्फ्लुएंस नहीं था। जब रिसर्चर्स गए और तहकीक किए कि इनका जीने का तरीका कैसा है, तो जानने लगे कि वो एक खुदा में मानते, एक ईश्वर में मानते, उसकी इबादत करने के लिए सिजदा करते हैं और शिर्क नहीं करते। वो जानने तहकीक करने के बाद पता चला कि वो इस्लाम फॉलो कर रहे, नाम से मुसलमान नहीं थे, लेकिन जिंदगी के बसर करने का तरीका इस्लामिक था। तो इससे ये हमें पता चलता है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है और उसे आप अलायदा रखते, उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं, ना वालदेन का, ना बड़ों का, ना टीचर का, वो बच्चा मुस्लिम जैसे जिएगा। मुसलमान मतलब अपनी ख्वाहिशें खुदा के अहकाम के मुताबिक बसर करना, अपनी जिंदगी बसर करना खुदा के मुताबिक। तो ये साइंटिफिक रिसर्च है, इसीलिए मैं कहता हूं हर इंसान जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है, उसके बाद उसके वालदेन उसे गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। हो सकता है कि बुत परस्ती करते, हो सकता है कि आग को पूजने के लिए कहेंगे। इसीलिए कोई गैर मुस्लिम जब मुस्लिम बनता है, कन्वर्ट कहना गलत है, कन्वर्ट मतलब एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे जाना, रिवर्ट मतलब एक इंसान सही रास्ते पे था फिर गलत रास्ते पे जाता है फिर से सही रास्ते पे आता है, उसे कहते हैं रिवर्ट। हिंदी या उर्दू में कहूंगा मैं नौ मुस्लिम कहना गलत है, हिंदी में कहूंगा पलटा हुआ, लौटा हुआ मुस्लिम। ये मेरे खुद के अल्फाज है, लौटा हुआ मुसलमान। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा बहन कि आपने इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी है आपको? सर मैं रहती हूँ डोंगरी पे, मेरा फ्रेंड सर्कल भी ज्यादा मुस्लिम ही है और मैं ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे हूँ। माशाल्लाह, आप मानते हैं कि खुदा एक है? जरूर। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी नहीं, मैं यही जानती हूँ कि परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह और जो भी कुछ है वो सब एक ही है। जी हाँ, लेकिन आप
आप मानते हैं कि बुध परस्ती गलत है कि सही है? सर बुध परस्ती का अर्थ मुझे मालूम नहीं, मैं इंसानियत पे ज्यादा भरोसा करती हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि सब एक ही है। लेकिन इंसानियत पे भरोसा अगर करते हैं तो हमें हमारे ईश्वर की इबादत करना चाहिए कि गलत चीजों की? क्योंकि क्योंकि आपके वेद में लिखा है, जैसा मैंने फरमाया यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में और श्वेता श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, उस ईश्वर का कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो आपकी हिंदू मजहब की किताबें कहते हैं कि बुत परस्ती गलत है, ईसाई मजहब की किताबें कहती बाइबल के बुत परस्ती गलत है, कुरान इस्लाम मजहब की किताब कहती है बुत परस्ती गलत है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बुत परस्ती में यकीन करते क्या नहीं? सर आप बुत परस्ती जो बोल रहे हैं उसको मुझे मीनिंग नहीं समझ रहा, खाली मुझे यही मालूम है कि सब जो ईश्वर अल्लाह जो भी कुछ है सिर्फ एक ही है। बिल्कुल सर, ईश्वर अल्लाह एक है, लेकिन अगर आप ईश्वर को, अगर मिसाल के तौर पे ईश्वर को आप कुछ गलत साबित करते हैं और उसे ईश्वर कहते, गलत चीज को ईश्वर कहना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई कहेगा कि ये टेबल ये चेयर ईश्वर है, आप मानेंगे? नहीं, ईश्वर नहीं है, लेकिन गलत चीज को ईश्वर कहना गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल। तो ये मैं पूछता हूँ कि जो चीज ईश्वर कहना के लायक नहीं है, जैसे आपके मजहबी किताब में कहा गया है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई बुत नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई अक्ष नहीं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बुत परस्ती गलत है या सही है फिर? नहीं सर, वो गलत ही होगा। बिल्कुल सर, तो माशाल्लाह, तो आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी सही। आप मानते हैं कि खुदा ईश्वर एक है? ईश्वर अल्लाह सब एक ही है। बिल्कुल सर। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अल्लाह के पैगंबर है? सर उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं वो मत प्रदर्शन नहीं कर सकती। बिल्कुल, इसलिए मैं चाहूंगा कि खवातीन के शोबे से मैं मेरे अहलिया से फरमाऊंगा कि आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दे। आपको अगर हिंदी आती है तो हिंदी में दीजिए, उर्दू आती तो उर्दू में, मराठी तो मराठी, अंग्रेजी में आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इंशाल्लाह। सो गाइस, ये था वीडियो, बहुत अमेजिंग टॉपिक था रियली, ठीक है, क्योंकि पहले मैं भी रियली बता रहा हूँ यही समझता था कि पहले तो लोग जितने भी इंसान होते हैं वो हिंदू ही होते हैं, उसके बाद फिर उनका खतना किया जाता है, सर्कमसेशन किया जाता है, उसके बाद ही फिर वो मुस्लिम बनते हैं। अगर आप सर्कमसेशन नहीं करोगे तो आप मुस्लिम नहीं बन पाओगे। लेकिन जब मैं डॉक्टर जाकिर नायक के वीडियोज देखा और भी जो है जिनको बहुत ज्यादा इल्म है, ठीक है, उनके वीडियो देखा तो ऐसा नहीं है। ये लोगों का थिंकिंग में, मतलब जिनको उतना नॉलेज नहीं रहता ना, तो वो लोगों पे बैठाल देते हैं कि भाई आपको खतना करोगे तो ही आप हो जाओगे। नॉन मुस्लिम तो यही समझते हैं कि आप पहले पैदा होते हो, दूसरे मतलब हिंदू होते हो, उसके बाद फिर आपको खतना किया जाता है, उसके बाद फिर कलमा पढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही लोगों को नहीं पता है सही चीजें, नहीं पते है। मुस्लिम होने के लिए आपको एक अल्लाह पे भरोसा करना है, यकीन करना है कि एक भगवान एक है। और जो जैसे कि वो लोग बोलते हैं कि आग की पूजा करते करो, है ना, ये कुछ भी खुद से बनाई हुई चीजें या नेचुरल चीजें, उनकी पूजा नहीं करना है, सिर्फ आपको एक क्रिएटर को मानना है, उनके आगे आपको सजदा करना है, उनकी आगे झुकना है। हाँ, ये चीजें। और जो आगे जो वो अंकल थे जो बहुत ही ज्यादा बोल रहे थे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो मतलब उतना जानते होंगे इस्लाम के बारे में। होंगे हाँ, इस्लाम के बारे बस में वही जो मीडिया बोलती है या है, हाँ। और जो नॉन मुस्लिम बोलते हैं ना इस्लाम को बदनाम करने के लिए, तो वो वही टॉपिक को निकाल के वो बोल रहे थे। और ये जो लेडी थी जो लास्ट में इनको जब कलमा पढ़ाने के लिए बोला गया, तो वो बोले कि मैं पहले पढ़ूंगी, पहले जानूंगी, अभी मैं नहीं जानती हूँ। तो ये चीज अच्छी है कि देखो उनको डॉक्टर जाकिर नायक ने नहीं बोला कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा या आपको हम लोग बाद में बता देंगे, आप एक अल्लाह पे तो वो मान रही थी, मतलब कि क्रिएटर तो एक ही है, भगवान तो, लेकिन एक ही उनको प्रेशर नहीं किया गया कि आप इस चीज को मानो। उनको बोला गया कि आपको हिंदी वाली जो कुरान का तर्जुमा है वो मिलेगा, उसके बाद आप और पढ़ो और खुद जानो और खुद उस चीज को अपनाओ।
तो बहुत अमेजिंग वीडियो था गाइस। डॉक्टर जैकी नाइक सर का रिप्लाई जो रहता है बहुत रियली बहुत अमेजिंग रहता है। तो ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।